हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट सरकारी नौकरी की। और ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। एनी ग्रेजुएट पास स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप भारत में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी, साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल सरकारी नौकरी है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो है पद का नाम है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, काफी टाइम हो गया है। 9 अक्टूबर 2023 से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 9 नवंबर रहने वाली है। कैसे जो है वो आवेदन करेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो बहुत ध्यान से जो है चीजों को सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्तियों की संख्या दिखा देती हूँ कि कुल जो है रिक्त पद कितने हैं जिन पर वैकेंसी आई है। तो कुल जो संख्या है वो 411 है। यहाँ पर विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सचिवालय लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद के द्वारा समीक्षा अधिकारी के पदों पर वैकेंसी है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर वैकेंसी है। राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग में भी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। एनी ग्रेजुएट पास स्टूडेंट जो है इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पद जो है वो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का है, जहां पर वाणिज्य या कॉमर्स के जो ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहां पर लिखी है कि जो बेसिक पे रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी रहेगी। लेवल 7 और लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगों को पेमेंट रहने वाला है। परमानेंट सरकारी नौकरी है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहां पर योग्यता मैंने आप लोगों को बता दिया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की उपाधि हासिल की है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। साथ में यहां पर जो है डिग्री डिप्लोमा आप लोगों के पास जो है कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी टंकण में जो है न्यूनतम 25 शब्द पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स के पास अंग्रेजी टंकण में भी है तो उन लोगों को अधिमान प्राथमिकता मिलेगी। तो ये जो समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, तो उनके लिए योग्यता है। उसके बाद एक जो मैंने आप लोगों को बताया जो एक पोस्ट है लेखा की है, तो उसके लिए वाणिज्य में जो है वो स्नातक मांगा गया है। उसके बाद जो है आयु सीमा की अगर हम बात करें, ये जो नोटिफिकेशन है ये मेन वेबसाइट से ही जो है मैंने लिया है। आयु सीमा जो है 21 वर्ष न्यूनतम रहने वाली है, अधिकतम जो है वो 40 वर्ष यहाँ पर लिखी गई है। आयु सीमा में छूट जो है वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगी। उसके बाद जो है सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा, प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है प्रारंभिक परीक्षा एक होगी और मुख्य परीक्षा भी होगी। जो स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे तो उन्हीं को जो है मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को कितना जो है परीक्षा शुल्क लगेगा तो ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आवेदन शुल्क बहुत कम रखा गया है। जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उनकी 100 रुपए परीक्षा शुल्क है, साथ में जो है ऑनलाइन प्रोसेस शुल्क जो है वो 25 रुपए है। तो कुल यहाँ पर जो 125 रुपए आपका जो है खर्च होगा। उसके बाद SC ST जो कैटेगरी है तो उनको 65 रुपए ही जो है मात्र देना होगा। दिव्यांगजन के लिए जो है यहां पर पेमेंट केवल 25 रुपए है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है यहाँ पर शुल्क रखा गया है, ठीक है। बाकी शुल्क जो है वो इतना ज्यादा नहीं है जनरल कैटेगरी का भी, क्योंकि 125 रुपए जो है आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। मेन वेबसाइट पर आएंगे upsc.up.nic.in, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है, ये पेज जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ व्हाट्स न्यू में भी आप लोगों को नजर आएगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट यहाँ भी दिखेगा, और आप लोगों को यहाँ रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड यहाँ पर भी आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। तो ये देखिए सबसे ऊपर ही है और इसे आप लोग जो है ओपन कर लेंगे। जितने भी अभी तक के जो नोटिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। सबसे ऊपर ही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 9 नवंबर है। यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद व्यू एडवर्टीजमेंट है, सबसे पहले विज्ञापन पढ़ेंगे और अप्लाई का ऑप्शन इसके ही आगे दिया हुआ है। तो आप लोग अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं। भारत में किसी भी राज्य के कैंडिडेट ग्रेजुएट पास स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।